लुबना, तुमने तो मुझे डरा दिया है। जो डर गया समझो वो मर गया। फिर वही बच्चों वाली बातें, तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। वामिया तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मुझे माफ तो कर दिया है ना? मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, बस जो किस्मत में लिखा होता है वही होके रहता है। और तुम देख लेना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तुम आ गई हो ना, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने मम्मी का असल चेहरा देखा। मैं तो बहुत हैरान हूँ, वो तो मुझसे सारा दिन हंस हंस कर बात करती थी और वो इतनी सफाक हो सकती है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि तुम्हारे सामने हकीकत बहुत देर से आई, लेकिन चलो तुम्हें अंदाजा तो हो गया कि कौन सही है कौन गलत। तुमने अरसलान भाई से फरिया के बारे में कोई बात की? नहीं, चुप चुप से रहते हैं। अगर औलाद का मामला ना होता ना, तो आज मेरी जगह फरिया होती। मैं तो बस उनकी मजबूरी बन गई हूँ। बस अल्लाह तुम दोनों के दरमियान सब कुछ पहले जैसा कर। मुझे तो अब ये सब कुछ नामुमकिन लगता है। अगर अम्मी की फिक्र ना होती ना मुझे, तो मैं कभी इस घर में ना आती। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, तुम बस दुआ करो। और ये आने वाला बच्चा कितना खुशनसीब है, अभी से तुम दोनों को एक कर दिया।